मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के माचलपुर में अवैध शराब परिवहन की सूचना पर राजगढ़ जिला पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने 40 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब परिवहन करते हुए एक ट्रक विलायती शराब के साथ दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। जानकारी अनुसार पुलिस को अवैध शराब परिवहन की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में माचलपुर प्रभारी राम कुमार रघुवंशी और उनकी टीम ने राजस्थान के रास्ते से इंदौर की ओर जा रहे संदिग्ध ट्रक की तलाशी के बाद 450 पेटी विलायती शराब सहित दो लोगों को हिरासत में लेकर ट्रक जब्त कर लिया है। ट्रक चालक व क्लीनर भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा एवं नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम कासम, पिता लाखा भाई गामेती, उम्र 36 साल, निवासी खोड़िया नगर सावलपुर थाना व तालुका जूनागढ़ गुजरात, और क्लीनर ने अपना नाम अजय, पिता सरमन भाई रातिया मेहर, उम्र 19 साल, निवासी गली बाटवा जिला जूनागढ़ गुजरात का होना बताया। दोनों पकड़े गए व्यक्तियों से भागने का कारण पूछा तो कभी कुछ तो कभी कुछ जवाब देने लगे। संदेह होने से ट्रक में लगे तिरपाल को हटाकर चेक किया गया तो उसमें 450 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब रखी पाई गई। भारी मात्रा में अवैध रूप से परिवहन की जा रही कुल 3,951 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब और टाटा ट्रक सहित कुल 37,90,700 रुपये का मशरूका जब्त किया। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इस पूरी कार्रवाई में करीबन 4,000 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। इसमें थाना प्रभारी उपनिरीक्षक राम कुमार रघुवंशी, सब इंस्पेक्टर जितेंद्र अजनारे, एएसआई राधेश्याम ठाकुर, ताराचंद जी, प्रधान आरक्षक सुनील कुशवाहा, प्रकाश फतेह सिंह, चेतन सिंह, नरेंद्र झाला, अमित श्रीवास्तव, महमूद राजवीर, मनोहर सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। SDOP साहब के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई। मेरी तरफ से इनको 10,000 रुपये अलग से नगद इनाम देने की घोषणा की जाती है। साथ ही साथ हम अभी इसमें बहुत सारे विवेचना के बिंदु बाकी हैं, जैसा कि आप इन बॉटल्स पे देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ये सिर्फ फॉर सेल इन अरुणाचल प्रदेश है और ये बॉटल्ड एंड डिस्टिल्ड इन पटियाला पंजाब है। तो अभी ये हमारी विवेचना का बिंदु रहेगा कि किस तरह से ये पटियाला से, जब ये अरुणाचल प्रदेश के लिए बनी हुई थी, तो किस तरह से ये गुजरात की तरफ जा रही थी, कौन इसमें मुख्य सप्लायर है और कौन इसे रिसीवर है, उनके संबंध में अभी हम आगे की विवेचना जारी रखेंगे। जाएगा गुजरात में महसाना इसको जाना है। इसके संबंध में सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी राम कुमार रघुवंशी इनके द्वारा और उपनिरीक्षक जितेंद्र अजनारे के द्वारा आज सुबह करीबन 3:30 बजे जब इनको ये सूचना प्राप्त हुई तो वाहन चेकिंग लगाई गई और चेकिंग के दौरान इन्होंने इस ट्रक के लिए अपनी फील्डिंग लगा रखी थी, पार्टियां लगा रखी थी और करीबन 5:30-6 के बीच में इस ट्रक को रोका गया। जब दोनों ड्राइवर क्लीनर से पूछताछ की गई तो इन्होंने भागने का प्रयास किया, इनको पकड़ा गया, इनसे दोबारा पूछताछ की गई, ट्रक को खंगाला गया तो ये कुछ संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाए। ट्रक में पीछे की तरफ जो शराब की पेटियाँ रखी थी उनको छुपाने के लिए उसके ऊपर भूसे की बोरियां रखी गई थी और जो ट्रक ड्राइवर और क्लीनर है इन्होंने बताया कि इसमें सोयाबीन हो सकता है। जब चेक किया गया तो इसमें भूसा निकला। फिर जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने अवगत कराया कि ये ट्रक महसाना से अम्बाला से महसाना जा रहा था इंदौर के रास्ते। हमें ये भी शंका है कि इस ट्रक में GPS है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इस ट्रक की ट्रैकिंग GPS के माध्यम से कर रहे थे। तत्काल पूरी शराब, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, करीबन 450 पेटी शराब है जिसमें 175 पेटी स्पेशल विस्की और 275 पेटी क्रेजी रोमियो, ये दोनों कंपनीज की ये विस्की है, अंग्रेजी शराब है, जिसकी कुल कीमत करीबन 28 लाख रुपए है और एक टाटा ट्रक है जिसकी कीमत करीबन 10 लाख रुपए है। इस तरह से इस पूरी कार्रवाई में करीबन 38 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। ये जो ट्रक ड्राइवर और क्लीनर है इनका नाम है कासम, पिता लाखा भाई, ये सावलपुर थाना जूनागढ़ का रहने वाला है, और क्लीनर का नाम है अजय, पिता सरमन भाई, ये थाना बाटवा जिला जूनागढ़ का रहने वाला है। इस पूरी कार्रवाई में करीबन 4,000 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। इसमें थाना प्रभारी उपनिरीक्षक राम कुमार रघुवंशी, सब इंस्पेक्टर जितेंद्र अजनारे, ASI राधेश्याम ठाकुर, ताराचंद जी, प्रधान आरक्षक सुनील कुशवाहा, प्रकाश फतेह सिंह, चेतन सिंह, नरेंद्र झाला, अमित श्रीवास्तव, महमूद
राजवीर मनोहर सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एसडीओपी साहब के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई। मेरी तरफ से इनको 10,000 रुपये अलग से नगद इनाम देने की घोषणा की जाती है। साथ ही साथ हम अभी इसमें बहुत सारे विवेचना के बिंदु बाकी हैं, जैसा कि आप इन बॉटल्स पे देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि ये सिर्फ फॉर सेल इन अरुणाचल प्रदेश है और ये बॉटल्ड एंड डिस्टिल्ड इन पटियाला पंजाब है। तो अभी ये हमारी विवेचना का बिंदु रहेगा कि किस तरह से ये पटियाला से, जब ये अरुणाचल प्रदेश के लिए बनी हुई थी तो किस तरह से ये गुजरात की तरफ जा रही थी, कौन इसमें मुख्य सप्लायर है और कौन इसे रिसीवर है, उनके संबंध में अभी हम आगे की विवेचना जारी रखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।